केकेआर बनाम एसआरएच। आज आईपीएल में 14 अप्रैल को केकेआर बनाम एसआरएच का मैच होने वाला है और ये एक अभी तक का रन उत्सव रहा है। आईपीएल 2023 में 19वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच 14 अप्रैल 2023 को केकेआर के घरेलू मैदान इंडियन गार्डन में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। 9 अप्रैल को केकेआर ने अहमदाबाद को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत वर्ष चैंपियन गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 में इतिहास में सबसे यादगार जीत दर्ज की। 204 रनों का पीछा करते हुए केकेआर को अंतिम 8 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता थी और रिंकू सिंह ने यश दयाल के खिलाफ एक ही ओवर में 6-4, 6-6, 6 और आखिरी बॉल पर 6 के लिए 7 गेंदों को हिट किया और उन्होंने मैच को जिता दिया। जबकि एसआरएच भी कोलकाता को उसी के घर में हराने के लिए तैयार है। पिछले 2 मैच हारने के बाद हैदराबाद ने हाल ही के मैच में पंजाब को मात दी। हैदराबाद के नए कप्तान एडन मार्करम ने पिछले मैच में अपनी काबिलियत को दिखाया और दिखा दिया कि वह किसी से कम नहीं है। एडन मार्करम पहले ही राष्ट्रीय टीम की प्रतिबद्धताओं के कारण आईपीएल 2023 के मैचेस में बाहर हो चुके थे। इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 बार कोलकाता नाइट राइडर्स से मुलाकात की है। केकेआर ने 23 में से 15 मैच जीते हैं जबकि हैदराबाद ने 8 मैच जीते हैं। केकेआर ने अपने पिछले मैच में दिखाया था कि वह हर परिस्थिति में जीत हासिल करने में सक्षम है जबकि श्रेयस अय्यर बाहर है। केकेआर एक अंतरिम कप्तान के साथ खेल रहे हैं। हालांकि हैदराबाद पंजाब पर जीत के साथ आ रहा है, फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए केकेआर के जीतने की संभावनाएं हैं। आईपीएल 2023 में एसआरएच बनाम केकेआर ड्रीम 11 के कुछ इस तरह से हमने प्लेयर्स को चुना है, जहां पर हम कप्तान रखा है रिंकू सिंह को, उप कप्तान रखा है एडन मार्करम को, विकेट कीपर के तौर पर हमने गुरबाज रहमान को रखा है। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, हेनरिक क्लासन को रखा है। गेंदबाजी की बात की जाए तो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और मयंक मारकंडे होंगे। और ऑलराउंडर की बात की जाए तो रसल द मसल को हमने यहाँ पर टीम में रखा है और वाशिंगटन सुंदर हमारे साथ होंगे। हैदराबाद और केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 ये हो सकती है, जिसमें अगर केकेआर की बात की जाए तो गुरबाज रहमान हमारे पास विकेट कीपर होंगे, वरुण चक्रवर्ती, एन जगदीशन, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रांद्रे अशन, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, लकी फर्ग्यूसन, श्रेयस शर्मा, उमेश यादव। और अगर एसआरएच के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो हमारे पास मयंक अग्रवाल होंगे, राहुल त्रिपाठी होंगे, एडन मार्करम होंगे, हेनरिक क्लासन होंगे, डब्ल्यू सुंदरम होंगे, मार्कन जॉनसन होंगे, हैरी ब्रूक होंगे, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन के साथ मार्कंडे और उमरान मलिक हमें टीम में नजर आने वाले हैं। ऐसे ही आईपीएल से रिलेटेड प्रिडिक्शंस के लिए और ड्रीम 11 टीम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।